नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट तनपुरे ने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को समझने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली सरकार के दो स्कूलों का दौरा किया। वहां उन्होंने बच्चों से बात कर हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में जाना। उन्होंने अपने विजिट के दौरान देशभक्ति करिकुलम और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के मॉडल को भी समझा। प्रोजेक्ट तनपुरे बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के मॉडल से काफी प्रभावित नजर आए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तैयार हो रहे भविष्य के एंटरप्रेन्योर से मिलकर उनके एंटरप्राइज को भी इस दौरान उन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों से मिलकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विजिट में मिली लर्निंग के माध्यम से इस एजुकेशन मॉडल को महाराष्ट्र में भी लागू करेंगे। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी की उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर दोनों नेताओं ने सभी को पटका पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता जो उस वक्त पार्टी के साथ थे जब पार्टी को सहारे की जरूरत थी, उस समय गरीबी भुखमरी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर ये नेता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन पिछले 7 सालों में जिस तरह के निराशाजनक प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है और दिल्ली के लोगों का भरोसा तोड़ा है, उससे त्रस्त होकर ये लोग वापस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ने आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया था, उनका भी विश्वास अब आम आदमी पार्टी से उठ गया। ये छोटी बात नहीं है। ये रामराज तिवारी जी एल्डरमैन है, पार्षद है, और ये पूर्वांचल मोर्चा के, पूर्वांचल समाज के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो इनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग होना मतलब पूर्वांचल समाज का तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया। जो बचा था सब छोड़ दो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करेंगे तो दिवाली से पहले लगने वाले स्टैंडिंग कमेटी के सदन में सीलिंग को लेकर विपक्ष ने अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका पक्ष में बैठे निगम पार्षदों ने भी समर्थन किया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर अधिकारियों से जवाब तलब किया है। आखिर कब तक सीलिंग को लेकर आम जनता परेशान होती रहेगी? साथ ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष से कहा कि डी सीलिंग के कैंप की जानकारी अब स्थानीय विभाग पार्षदों के पास नहीं है तो आम जनता के पास कैसे होगी? आम आदमी पार्टी कर्मचारियों की दिवाली न मनवाकर राजनीति खेल रही है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में हितैषी हो सभी कर्मचारियों के और आप चाहते हो कि वो दिवाली मनाएं, तो जो 283 करोड़ रुपया आपने उत्तरी दिल्ली नगर निगम का रोका हुआ है केवल इस झूठ के आधार पर कि हमारी इनकम कम हुई है तो हम उसके आधार पर पैसे को नहीं देंगे, तो ये एक कोरा झूठ है। एक तरफ आप करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगाते हो, एक तरफ आप बेतहाशा खर्चा करते हो, लेकिन हमारे कर्मचारियों का शोषण करके उनको तनख्वाह ना देकर उनको प्रताड़ित करना चाहते हो। एक शॉर्ट नोटिस लगाया था प्रॉपर्टियों के सीलिंग से संबंधित। 2017 से लेकर अब तक 4346 संपत्तियां सील करी गई हैं, यह जवाब प्राप्त हुआ। इसमें से 1559 संपत्तियों को डी सील करा गया है। मैंने कहा कि बाकी प्रॉपर्टियों को क्यों नहीं डीसील करा जा रहा, तो उसका जवाब आया कि 75 और 176 एप्लीकेशन हम पे पेंडिंग है। तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए क्या वो 3000 लोग जो इसके अलावा 3000 लोग बच गए, 3,2800 लोग जो बच गए, उन लोगों ने क्या अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाई होगी? एक शॉर्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर रोहतास नगर विधानसभा में बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में लगातार दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके माध्यम से महिलाओं ने आम लोगों को जागरूक करते हुए आंदोलन किया। इस कड़ी में मंडोली रोड के इंदिरा प्याऊ के पास शराब नीति के विरोध के लिए महिलाओं ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक जितेंद्र महाजन भी मौजूद रहे। सिर्फ रोहतास विधानसभा में नहीं किया,
बल्कि जावाद की गूंज दिल्ली के कोने कोने में जा रही है, क्योंकि जो आभास आपने कर लिया कि कल कैसी स्थिति होने वाली है, उस आभास को दे दिया गया है। अब दिल्ली में शराब की तमाम दुकानें प्राइवेट होंगी। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे पराली को खाद में बदलने के लिए बायोडिकम्पोजर की बात हो, चाहे फिर रेड लाइट ऑन गाड़ी और की मुहिम हो। इस कड़ी में आज पीतमपुरा के APJ स्कूल में RWA के लोगों के साथ SDM सरस्वती विहार चंद्रशेखर द्वारा वार्तालाप की गई और बताया गया कि आप अपने एरिया में लोगों को जागरूक करें, जिससे दिवाली पर बम पटाखे ना फोड़े जाएं और सर्दियों में हाथ सेकने के लिए पन्नी और कूड़ा ना जलाएं, इसके लिए हीटर का इस्तेमाल करें, जिससे दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन का सामना ना करना पड़े। हमारे आज की जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन, सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ दिल्ली नहीं, अभी तो हम दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले सालों में बहुत आगे तक जाएगा। हमारे ये छोटे छोटे कदम कि हमें किस तरह से पोल्यूशन को रोकना है, जो हम आज कर रहे हैं, यही चीज़ें जब हमारे बच्चे सीखेंगे, तो यही बच्चे जब आगे जाके किसी और शहरों में जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, तो ये चीज़ें आगे फैलेंगी। तो हमारे बच्चों के आज के स्वास्थ्य के लिए और हमारी जनरेशन के लिए क्या सही है और हमें आगे क्या संदेश देना चाहिए और कैसे अपने हेल्थ के लिए काम करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार के आदेशानुसार आज जो है सरस्वती विहार सब डिवीज़न के अंतर्गत हमने एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए RWS की मीटिंग कॉल करी गई थी और आज हमने सारे सरस्वती विहार सब डिवीज़न के अंतर्गत आने वाली सारी RWS के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ इनवाइट किया था APJ स्कूल में, और यहाँ पे हमने उनके साथ मीटिंग करी है और मैसेज बड़ा क्लियर है, क्योंकि आने आपको पता ही है हर साल यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, तो एज ए प्रिवेंटिव स्टेप हमने उनको बताया है कि उनको क्या करना है, उनका सहयोग चाहिए इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जिस तरीके से पोल्यूशन की समस्या हर साल बढ़ती चली जाती है, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार जो है तरह तरह के जो अभियान छेड़ती है, जिसमें दिल्ली वासियों को ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप इस तरीके के काम ना करेंगे जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण हो, पटाखों को लेकर भी हर साल जो है कि समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसको बैन करने के लिए एक मुहिम छिड़ जाती है, और इसके लिए जो दिल्ली के जो तमाम DM और SDM हैं वो अभियान चलाते हैं, जिसको लेकर के आज जो है सरस्वती विहार के जो SDM हैं चंद्रशेखर, उन्होंने आज मीटिंग करी, तमाम RWA के लोगों को बुलाया गया, जिसमें ये समझाया गया कि आप किस तरीके से पोल्यूशन को रोक सकते हैं और दिल्ली सरकार का किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक ग्रीन ऐप करके भी एक एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी गई, जिस पर बताया गया कि आप इस पर सीधा अपनी शिकायत को कर सकते हैं और आपकी जो पहचान है वो भी गुप्त रखी जाएगी और उस पर जो है जो भी जो समस्या होगी उस पर तुरंत समाधान होगा और उस पर तुरंत एक्शन का प्लान बनाया गया, और साथ ही साथ एक पूरी टीम गठित की गई है जो पूरे एरिया में इसको लेकर के काम कर रही है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। उधर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में निगम कर्मियों के लिए DA को पास किया गया, जो दिवाली से पहले निगम कर्मियों के लिए एक गिफ्ट है, जिसको लेकर प्रोग्रेसिव शिक्षक संघ ने स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष और उत्तरी दिल्ली नगर निगम नेता सदन का धन्यवाद किया। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी शुरू हुई तो मैंने सबसे पहले यही घोषणा की कि केंद्र सरकार ने जो भत्ता अनाउंस किया हुआ है DA, उसको तुरंत लागू किया जाए। हालांकि हमारे अधिकारी, विशेष रूप से हमारे कमिश्नर, जिनको सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है और फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी पड़ती है, 34 करोड़ रुपए पर मंथ का खर्चा है, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक और पेंशनर आल्सो,
तो सभी के लिए जो है ना ये महंगाई भत्ता हमने आज लागू करवाया है। कमिश्नर को स्टैंडिंग कमेटी ने आदेश दिया है कि इसको लागू किया जाए। ये डीए जो लगा है ये इस तरह से है जैसे सूखे में बारिश हुई हो, हमारे एरियर्स रुके हुए हैं, तनख्वाह रुकी हुई है, डीए रुका हुआ था। साउथ और ईस्ट एमसीडी में डीए लगा था और नॉर्थ में नहीं लगा था, तो उसमें हम ऐसा महसूस हो रहे थे जैसे अनाथ हो। तो अब जब तीनों चीज़ें बराबर हो गई हैं तो हमें कम से कम ये सुकून है कि जो हमारे दूसरे साथी को मिल रहा है वही बेनिफिट हमें अपने विभाग में मिल रहा है। और यही हम विभाग से अपेक्षा करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे 2015 से जो भी एरियर्स हैं वो बकाया उनको निपटाया जाए और तनख्वाह हमारी रेगुलर करी जाए। ये जो डीए पास किया है इसकी हम काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और ये दिवाली के ऊपर हमें बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से मिला है, जिसके लिए हम सदन के नेता, महापौर और स्पेशली श्री जोगीराम जैन जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के, उनका टीचर्स समुदाय की तरफ। इसी के साथ दिल्ली लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।